ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੁਆਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਰੇ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਈਕਲੋਥੋਨ ਰੇਸ ਸਾਈਕਲ ਮੈਰਾਥਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਈਕਲੋਥੋਨ ਰੇਸ ਵਿੱਚ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 350 ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਮੈਰਾਥਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ 7 ਵਜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਟਲੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਮਨ ਭੱਲਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਚਾਖੋ ਲਾਹੜੀ ਕਾਨਵਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਲੰਡਨ ਸਪਾਈਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। जी साढ़े मानयोग मुख्यमंत्री जी वालों ये निर्देश पहले ही सारे दिते हुए हैं कि आप जड़ा नशा हैगा जिन्नी भी थोड़ी भी अमाउंट से पे हैगा आपा उन्हों जड़ों खत्म करना हैगा। तो सब तो वधिया जड़ा तरीका लोगों नू नशा के विरुद्ध लैके जाने लिए जागरूकता पैदा करने लिए वो साढ़े खेड ने तो उसके संबंध में ही असी ये पहली पठानकोट तो गुरदासपुर तक की साइकलोथोन जी रैली है वो चलाई सी। मैनू बड़ी खुशी है काफ़ी ज़्यादा नंबर के जड़े लोगों ने ये पार्टीसपेट किया। सवेरे 5:30 तो लोगों ने जुटना शुरू किया। छोटे बच्चों के नाल नाल वड्डे बजुर्गों ने भी पार्टीसपेट किया। साढ़े आर्मी BSF के पुलिस के जवानों ने भी पार्टीसपेट किया। तो बहुत ही कम समय के उन्होंने ये रैली पूरी की। तो हूँ जो इतने इकट्ठे भी हुए किसी भी चेहरे पर थकान नहीं दिखी। सानू पूरा जोश तो उत्साह सीगा। एक मैसेज देता है कि जो आप नशे की गल करते हैं तो साढ़े को यूथ एनर्जी नाल भरिया होया जिन्हों आप पॉजिटिवली चैनलाइज करने की लड़ है वो साड़ी अज कोशिश सी। मैं लगता बड़ा वधिया मैसेज गया होना है जो ये जाएंगे वापस घर से जाएंगे जेतू खिडारी या जोड़े साढ़े पार्टीसपेट भी करके गए हैं वो एक मैसेज देने कि जे आप इस पास अपना ध्यान दीए तो आप कितने अगे पंजाबियों को लैके जा सकते हैं। यही साड़ा मैसेज सीगा तो साड़ा सक्सैसफुल जोड़ा है। बिल्कुल जी साढ़े DSP साहब जड़े सके वो नाल जुड़े ने साढ़े कई जड़े अधिकारी गण ने BSF के कमांडेंट्स साढ़े जड़े सदे के उत्ते आए थे उन्होंने पार्टीसपेट किया है। एंड बिल्कुल क्योंकि ये लंबी रैली सी साढ़े प्रबंध भी देखने से साढ़े कई अफसर साहिबान जड़े प्रबंधा च सके कई अफसर साहिबाना ने इस पार्टीसपेट भी किया इनाम भी जितया। बिल्कुल ये तो ना रुकन वाला सिलसिला है। मैं अपनी स्पीच से भी कहा है कि पहली बार जरूर हुई है बट अखीरली बार नहीं हुई। ना सिर्फ साइकिल रैली बल्कि होर भी जड़े ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹਦਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ April ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਪਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਆਰਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ